जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसका सेक्शन वन है आपका हाइजीन एंड सैनिटेशन। इंट्रोडक्शन। देखो, हाइजीन एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा मतलब तरीका है जिससे हम लोग पूरी की पूरी सोसाइटी की हेल्थ और अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो स्टडीज़ हैं, ठीक है, ये एम करती हैं एक कैडेट के लिए, ठीक है, ताकि वो मतलब अवेयर रहे हेल्थ हैज़र्ड्स के बारे में, जो हेल्थ को नुकसान देती हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, और उनके बारे में और अच्छे से इफ़ेक्टिवली पढ़ सके, लर्न कर सके। पर्सनल हाइजीन। देखो, पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेनटेन कर सकते हैं। पहला है स्लीप, मतलब आपकी बॉडी को सफिशेंट रेस्ट देना, विच इज़ 7 to 8 hours अ डे। बाथिंग, अपनी स्किन क्लीन रखना और एक हेल्दी कंडीशन मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक गुड हेल्थ के लिए। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कुक्ड फूड खाना पूरी न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ, पूरी बैलेंस्ड डाइट के साथ इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। क्लीनलीनेस ऑफ हैंड, स्किन, हेयर, टीथ, फूड एंड रेस्ट, प्रॉपर बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है फिजिकली वेलबींग के लिए। और जो आपका खाना है वो हाइजीनिकली साफ होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से कुक होना चाहिए। एक्सरसाइज, देखो आपका फिजिकल वर्कआउट, ऑर्गेनाइज गेम्स और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी माइंड और बॉडी दोनों के डेवलपमेंट के लिए। वाटर सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन। देखो, आपका जो सोर्स है वाटर का, वो आपका है रेन वाटर, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में आपका रिवर्स आ गए, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स। तो आपका जो रेन वाटर है, लाइफ आपकी भैया रेन पे ही डिपेंड करती है, रेन से ही आपकी एक वाटर साइकिल बनती है पूरी। ये पानी, रिवर, लेक्स इन सबको फिल करती है, ठीक है, सीड्स जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो वैसे तो हमारे लिए अनफिट है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर प्योरीफाई करके पिएँ तो वी कैन ड्रिंक द वाटर। सरफेस वाटर, देखो जो आपका ह्यूमन और जो ह्यूमन डिस्चार्ज है, एनिमल डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सारा आपका रिवर और स्ट्रीम्स में चला जाता है, जिनके चलते आपकी नदियाँ पल्यूट हो जाती हैं। लेक्स और पॉन्ड्स वैसे तो अच्छा गुड सोर्स ऑफ वाटर है, अगर हम पल्यूशन से उसको दूर रखें तो। कैसे अचीव हो सकता है? देखो भैया, आपका जो फेंस है, फेंस प्रोवाइड करना पूरे जो वाटर पॉइंट है, मतलब वही है यार कि एनिमल्स को थोड़ा दूर रखना, बिकॉज अब वो पानी पीते तो हैं लेकिन गंदा भी तो करते हैं। प्रोहिबिट करना एनिमल की ग्रेजिंग, ठीक है, फेंस्ड एरिया के पास। वॉशिंग ऑफ क्लोथ और देखना कोई भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, ठीक है, वो कोई भी डिस्चार्ज ना करे, बेसिकली अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज ना करे। उसको अगर तरीके से आप ट्रीट करके अगर आप डिस्चार्ज करते हो, इट्स स्टिल ऑल राइट। फिर हम आते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स पे। वेल्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सप्लाई है। हमको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो सोकेज पिट्स हैं, इन ये चीज़ ना हो, लैट्रीन्स, यूरिनल्स और सीवेज, कोई भी ड्रिंकिंग या लीकिंग ड्रेन से जो आपका 100 feet की ऊंचाई पर हो या वेल पर हो। वेल जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ब्रिक स्टोन से, ठीक है, सीमेंट लाइनिंग से, ठीक है। कवर द वेल विद अ डस्ट प्रूफ टॉप, ठीक है। यूज़ ऑफ फेंस इज़ नेसेसरी। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपका एक ऑथराइज सोर्स से आता है। प्योरिफिकेशन जो है वाटर का, ठीक है, वो किन चीज़ों को एलिमिनेट करता है? एक सस्पेंडेड मैटर, मतलब जो वही हार्मफुल चीज़ें हैं, हार्मफुल सॉल्ट्स हैं, बैड टेस्ट, स्मेल, अनडिजायरेबल कलर्स और जो डिजीजेज हैं उनसे। मेथड क्या है आपके प्योरिफिकेशन के? भैया बॉइलिंग एंड डिस्टिलिंग, क्लैरिफिकेशन, ठीक है, जैसे आप उनमें क्लोरीन डाल सकते हैं, है ना, या फिर आपका होता है ना, जैसे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है, प्योरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, ये चीज़ें, स्टरलाइजेशन, क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर से उसको स्टरलाइज करना। पिंकिंग, ये आपका कॉलरा एपिडेमिक, कॉलरा की जो महामारी है, ठीक है, उसके फैलने के टाइम पे या मतलब उस टाइम पे पोटाशियम परमैंगनेट को यूज़ किया जाता है फॉर पिंकिंग ऑफ वेल्स। परसेप्शन, ठीक है, परसिपिटेशन, सॉरी, हम लोग लम को या फिर कुछ सिमिलर केमिकल्स को डाल सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपका प्योर वाटर हो जाता है, फिर आपका वाटर एक फिल्टर के थ्रू पास होता है। लैट्रीन्स, देखो आपके अलग अलग टाइप ऑफ लैट्रीन्स हैं। पहला है आपका वाटर कैरेज सिस्टम, ये आपका अप्लाई करता है काफ़ी सारे वाटर पाइप्स, ठीक है, जिससे आपका जो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, वो आपका हटा सके, ठीक है। इट्स सिंपल है लेकिन हाइजीन जो है भैया बहुत सारा समय और पैसा दोनों चीज़ें डिमांड करता है। एक्वा पिवरी लैट्रीन्स, नॉमिनल कॉस्ट होती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है
वाटर कार्डलेज सिस्टम का जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पे ये लोग एक्वा प्रिवी लैटरिन्स का कंस्ट्रक्शन को मतलब बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। रिमूवल सिस्टम आपका अप्लाई करता है कि जो कलेक्शन है आपका ह्यूमन वेस्ट का और सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ फाइन डिस्पोजल, मतलब वही है यार कि आप तरीके से कैसे डिस्पोज करते हो। ये मेथड इतना हाइजीनिक नहीं होता लेकिन स्टिल सिस्टम है। डीप ट्रेंच लैटरिन्स, एक 3 पिट वाइड आपका होता है, पिट होती है ठीक है, जिसमें आप मतलब यू कैन जस्ट यू नो थ्रो योर वेस्ट अप ठीक है। और सॉइल्स है ठीक है, नेसेसरी होता है आपका सैंड बैग्स, बैम्बूज ठीक है, वायर नेटिंग, ये सब चीज़ें भी उसमें लगती हैं। शैलो ट्रेंच लैटरिन्स फॉर टेम्प्रेरी कैंप्स, टेम्प्रेरी कैंप्स मान लो लग रहे हैं ठीक है, तो 3 फीट लॉन्ग, 1 फुट वाइड, 2 फीट डीप ठीक है, ऐसे करके आपके ट्रेंचेस बना दी जाती हैं। देन कम्स योर यूरिनल्स, मतलब अभी हम लोगों ने जो बात करी वो था कि हाउ कैन यू नो थ्रो द ह्यूमन सॉलिड वेस्ट। अब हम लोग यूरिनल्स की बात करते हैं, ट्रा यूरिनल्स ठीक है। देखो आपका जो कोरगेटेड प्लेन गैल्वेनाइज्ड आयरन है ठीक है, उसको बेसिकली बेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ अ गटर और माउंट कर दिया जाता है 4 वुडन लेग्स के थ्रू ठीक है। उससे क्या होता है कि भैया आपका जो भी है ठीक है, जो ह्यूमन वेस्ट है वो ईजिली आपका फ्लो कर जाता है एक पतले से ड्रेन के थ्रू ठीक है, जो एक सोकेज पिट में चला जाता है। फिर आपका है ट्रॉ यूरिनल्स, ये भी आपका भैया कॉरुगेटेड प्लेन ग्रैवनलाइज आयरन बेंड से बनता है ठीक है, ये स्लोप कर जाता है भैया एक वर्टिकल ड्रेन पाइल से ठीक है, एक सोकेज पिट के अंडर। फिर है आपका डिस्पोजल ऑफ गारबेज, आपका डिस्पोजल जो है सॉलिड रिफ्यूज का, सच एज किचन गारबेज, बोन्स एक्सेट्रा ठीक है, या फिर जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं ठीक है, या फिर केरोसिन ऑयल टिन्स हैं ठीक है, तो भैया इनको तरीके से आप कैसे आप डिस्पोज करते हो, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज ये चीज़ें भी देखो उतनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। प्रिवेंटेबल डिजीज़, बहुत सारी ऐसी डेडली डिजीज़ होती हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम कुछ प्रिकॉशंस देख के चलें अपने हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ। तो आपका क्लासिफिकेशन क्या है इन मतलब चीज़ों का, डिजीज़ का क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का क्लासिफिकेशन? तो योर क्लासिफिकेशन इज, पहला है आपका एक्सक्रीमेंटल डिजीज़, जो जर्म्स होते हैं जो एक बॉडी से पास करते हैं एक सिक मैन के ठीक है। अगर देखो भैया कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो ऑब्वियसली वो खांसी, जुकाम, एक्सक्रीटा, यूरिन, इन सब चीज़ों से आपका वो फैल सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल होता तो स्टिल कोई ऐसा इशू नहीं था ठीक है, स्टिल ऐसा था कि चलो ठीक है यार कम से कम इन चीज़ों से तो नहीं फैलेगा, बट इट इज़ कम्युनिकेबल इन नेचर। तो जो एक्सक्रीटा है ये कंटामिनेट कर सकता है फूड, वाटर ठीक है, डायरिया, जॉन्डिस, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, इन सब चीज़ों को ये आपका फैला सकता है। फिर अगला है आपका ड्रॉपलेट सिस्टम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो जर्म्स हैं इनको स्प्रे किया जाता है आउट फ्रॉम द नोज, लंग्स, थ्रोट्स ठीक है, इन द केसेस ऑफ कफिंग, स्नीजिंग या टॉकिंग के टाइम पे। तो ये जो जर्म्स होते हैं एक हेल्दी मैन भैया इनको अक्वायर कर लेता है, अगर वो सिक नहीं है तब भी। कॉमन कोल्ड, टॉन्सिल्स, इन्फ्लुएंजा, मतलब बेसिकली वही है यार जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है ना, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बहुत ईजिली वो ट्रांसफर हो सकती है सामने वाले बंदे को। कॉन्टैक्ट डिजीज, जो जर्म्स है मूव करते हैं एक सिक से लेके हेल्दी पर्सन तक बाय एक्चुअल बॉडी कॉन्टैक्ट ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीजेज की बात हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की नहीं ठीक है, वो तो ऐसे नहीं फैलती हैं, उनका तो एक पूरा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है फैलने का। फिर है आपका इंसेक्ट बोन डिजीज, जो जर्म्स आपके पास करते हैं एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन से ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं कैरियर्स के थ्रू ठीक है, जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका जैसे आपकी वो हो गई क्या बोलते हैं उसको हम फीमेल एनोफिलस मस्कीटो है ना, तो ये जो इंसेक्ट हैं पहले बाइट कर लेते हैं एक सिक पर्सन को फिर हेल्दी पर्सन को, तो इससे क्या होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका ये फैल जाते हैं। अब इनके कैरियर्स क्या क्या हैं, मस्कीटो है आपका मलेरिया, डेंगू ठीक है, ये चीज़ें फैला देते हैं, कैरीड बाय सैंड फ्लाई फीवर, कालाजार, ये चीज़ें हैं, कैरीड बाय लाइस, टाइफस ठीक है, कैरीड बाय फ्लाइज आपके भैया डायरिया, डिसेंट्रिया, कॉलरा, टाइफाइड, ये दे देती हैं आपको, कैरीड बाय फ्लीज, प्लेग, टाइफस, कैरीड बाय टिक्स ठीक है, टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर। तो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं हम क्या ले सकते हैं ठीक है, तो वो है आपका भैया वाटर ब्रोन डिजीज़, कि हम उनको चीज़ों को ना फैलने दें ठीक है, जैसे कॉलरा, डिसेंट्रिया, ये सब चीज़ें आपकी वाटर ब्रोन डिजीज़ हैं है ना। एनिमल ब्रोन डिजीज़ ये हैं कि जो एनिमल से एक ह्यूमन तक आ जाती हैं, रैबीज, प्लेग, एंथरेक्स, ट्यूबरकुलोसिस,
तो अभी आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहला है जो पेशेंट है उसको सेग्रीगेट कर दिया जाए, थोड़ा उसको दूर हटा दिया जाए, डिसइंफेक्शन है आपका डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो जर्म्स हैं या एजेंट्स हैं, लेकिन हर बार यार पॉसिबल भी नहीं हो पाता कौन सी मक्खी को पकड़ के मारोगे तुम, है ना। तो पैसे ह्यूम बेसिक मतलब एक चीज़ होती है कि आप वो जो पर्सन है उसी को आप सेग्रीगेट कर दो, हटा दो, ठीक है। इनकोलेशन एंड वैक्सीनेशन, कंट्रोल ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, यही चीज़ें थी आज के लेक्चर में। आपको कोई डाउट होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द लेक्चर, सॉरी थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, है ना। एंड टेक केयर, जय हिंद।